हेलो गाइस, मैं हूँ जीत और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग एक ऑटो सॉर्टर इजीली कैसे बना सकते हो। मैं तो आज मॉब फार्म के चीज़ों से दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो चीज़ें बदल भी सकते हो। तो आपको जितने भी आइटम सॉर्ट करना होगा उसका डबल चेस्ट लगेगा, क्योंकि डबल चेस्ट लगाना है ना, इसीलिए। ऐसे डबल चेस्ट लगाने के बाद हॉपर लगा दो। मैंने यह 5 चेस्ट का यूज़ किया है। हर हर एक चेस्ट में एक एक हॉपर जाएगा। अब ऐसे स्टेयर्स लगा दो जिससे दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा आसान भी होगा। अब स्टेयर की तरफ मुंह करके हॉपर्स लगा दो कुछ इस तरह। अब जितने भी हॉपर लगाए हो उनके पीछे के ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से तोड़ दो और उसके पीछे भी ऐसे। सामने वाले में आएगा रेस्टोरेंट का टॉर्च और यहाँ पर आएगा रिपीटर। रिपीटर इस तरह फेस करके लगाना होगा और टॉर्च आएगा इस तरीके से। अब इन सारे चीज़ों को ब्लॉक कर दो, मतलब कवर कर दो कोई से भी ब्लॉक से। मैं तो यह यूज़ कर रहा हूँ स्मूथ स्टोन का। कुछ इस तरीके से पूरे को कवर करना होगा, ऐसे 3 लेयर आएगा। अब सारे को रेस्टोन डस्ट से कवर कर दो, सिर्फ फर्स्ट वाला रो को छोड़कर। वहाँ पर आएगा रेडस्टोन कंपैरेटर, इस तरीके से लगा दो। अब आएगा और एक हॉपर का रो, इसीलिए कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स को प्लेस कर लो पहले और उसके बाद हॉपर को ऐसे कनेक्ट करते हुए लेके जाओ। मैंने यहाँ पर ब्लॉक रखा जिससे आसानी हो, इसीलिए। यहाँ पर आएगा चेस्ट, जो शॉर्ट नहीं होगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ सामने पे भी कुछ हॉपर लगा के यहाँ पर चेस्ट रख रहा हूँ जिनसे सामान उधर की तरफ जाएगा शॉर्ट होने को। मिडिल वाला हॉपर का लेयर में आप टैप करो और जिस भी आइटम को शॉर्ट करना है उसके एक स्टैक लेके ऐसे 4 में डिवाइड करके ऐसे फैला दो और इसमें टोटल 32 रख दो, 29 में आके रुक जाएगा। ऐसे ही जिस जिस आइटम का करना है कर लो। मैंने तो इन सारे चीज़ों का किया और जितने भी बचे हुए आइटम थे उन्हें यहाँ पर डाल दिया, जो चले जाएंगे अपने अपने चेस्ट में। अभी स्ट्रिंग जा रहा है एरो, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आएंगे, अभी भी आए नहीं, यहाँ पर ये रहे, कुछ इस तरीके से सारे आ जाएंगे। अब मैं एक मॉब फार्म जैसा छोटा सा सेटअप बना रहा हूँ जहाँ पर देख सको कि कैसे कुछ काम करता है। तो मैंने तो यहाँ पर स्पॉन एक से ही स्पॉन कर रहा हूँ और हीलिंग का पोशन से इन्हें मार रहा हूँ, जिसका जो चीज़ वहीं पर जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है क्या पता नहीं, पर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भी चला जाता है, इसीलिए देख लेना ज़रूर।